भारत माता का दर्शन करो, भारत बोध प्राप्त करो। भारत बोध के लिए पहले राम जी ने जब गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या। स्वामी जी मैं आपको रोकना चाह रही हूँ, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एटीवी में नजर आ रहे हैं। ये वही गाड़ी है जिसे शिनूक हेलीकॉप्टर से यहाँ लाया गया है और इसी गाड़ी में सवार होकर पूरी केदार नगरी के वो दर्शन करेंगे। इस वक्त वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर लगातार डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं, तो वो भी देख रहे हैं, उनकी भी समीक्षा कर रहे हैं और सबसे पहले वो बाबा केदार के दर्शन करेंगे। वहाँ पूजा अर्चना का पूरा कार्यक्रम है। स्वामी जी व्हीकल है, उसी के जरिए प्रधानमंत्री मोदी आप धीरे 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 मंदिर की ओर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि आसपास प्रधानमंत्री के एसपीजी के तमाम जो सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री मोदी छठी बार यहां पर आए हैं और पिछली बार जब वो आए थे 5 नवंबर 2021 को, तब आकर उन्होंने प्रधानमंत्री ने यहां पर आकर ठीक जो मंदिर के उत्तर में जो जगह मौजूद है, जिसे आप कह सकते हैं कि यहां पर आप देख सकते हैं जो आपको जगह नजर आ रही है, वो समाधि स्थल है आदि गुरु शंकराचार्य का, वहां पर उनकी मूर्ति का अनावरण किया था। आज छठी बार जब प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचे हैं तो प्रधानमंत्री इस दौरान कई अहम जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं कि नए फेज में जो नई फैसिलिटीज आने वाली है उसका प्रधानमंत्री मोदी यहां पर उद्घाटन भी करेंगे और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी उसका शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार जब केदारनाथ आते हैं कुछ ना कुछ सौगात लेकर आते हैं केदारनाथ धाम के लिए, उत्तराखंड के लिए और चार धाम के लिए भी। इस बार भी प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाओं का यहाँ पर अनाउंसमेंट करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी को देखिए, प्रधानमंत्री मोदी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सिर पर यहाँ पर जो टोपी पहन रखी है वो भी उत्तराखंड के पारंपरिक जो वेशभूषा है और खास तौर पे जो ये ठंडा इलाका पड़ता है उत्तराखंड का पहाड़ी इलाका, यहाँ पर यही वेशभूषा लोग पहनते हैं आमतौर पर, उसी में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी को देखिए कि अब धीरे धीरे आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वहाँ पर स्वागत के लिए जो तमाम यहाँ पर पुजारी हैं, साथ ही साथ जो मंदिर कमेटी से जुड़े लोग हैं और साथ ही उत्तराखंड सरकार के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो प्रोटोकॉल के तहत पर यहाँ पर मौजूद हैं। स्वामी जी जो इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं, स्वामी जी वहां पर आप देख सकते हैं स्वामी जी कि प्रधानमंत्री मोदी छठी बार पहुंचे हैं, उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा रखी है और यहाँ पर बहुत ठंड है लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी को जब हम देखते हैं तो उनके पूजा नजर आ। प्रधानमंत्री के रूप में वो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो हमारे गंगा का, यमुना का, गो का, गायत्री का, बद्री, केदार, यमुनोत्री, गंगोत्री, काशी, विश्वनाथ, अयोध्या, महाकाल, एक तरह से भारत की करोड़ों वर्ष पुरानी शाश्वत सनातन संस्कृति का उद्घोष हैं। वो भारत और भारतीयता के गौरव हैं और जब वो चलते हैं तो ऐसा लगता है पूरा भारत चल रहा है। वो चलते हैं तो वो जब चारों तरफ ऐसे निहारते हैं अपने प्रकृति को, अपनी संस्कृति को और अपनी परंपराओं को जब गौरव देते, मैं कह रहा था पहली बार देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो सभी तरह से भारत और भारतीयता को गौरवान्वित करता है, चाहे वो योग हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे गोमाता हो, चाहे वेद माता हो, चाहे ये भारत माता हो, सब प्रकार से भारत माता का माथा ऊंचा करने का काम। और अब भारत माता के माथे पर जो सबसे ऊंचा तीर्थ है और उसे माला गांव तक जाएंगे, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है मोदी जी का, उनके सनातन धर्म के प्रति श्रद्धा और निष्ठा को प्रणाम और वंदन है। और इसी से भारतवासी गौरवान्वित है कि अपने आप को सनातनी कहने में, अपने आप को हिंदू कहने में, भारतीय कहने में, आज भारतवासी नहीं पूरे विश्व में बसे एनआरआईज भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। गौरव प्रधानमंत्री जी ने प्रदान किया है देशवासियों को। प्रधानमंत्री मोदी देश की जो एक पहचान है, भारत की जो पहचान है, जो पहले हम देखते थे कि जो ऐसी पहचान है जिसको लगातार लोग जानते थे कि हम दिल्ली की बात करें, आगरा की बात कर लें, लेकिन जिस तरह से चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जिक्र करें, केदारनाथ चार धाम का जिक्र करें या अयोध्या का जिक्र करें, वहां पर जिस तरह से भव्य यहां पर जो निर्माण किया जा रहा है, क्या नहीं भारत की एक नई आध्यात्मिक पहचान भी पूरी दुनिया तक पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि भारत को आध्यात्म के लिए जाना जाता था और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ऐसे आध्यात्मिक स्थलों को लेकर पूरी दुनिया के सामने लेकर जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज यहां पर दी जा रही है। स्वामी जी अमित भाई, इसीलिए भारत को जो विश्वगुरु कहा जाता था वो केवल यह सोना चांदी बहुत था, धन दौलत बहुत था, जिसको अंग्रेज लूट के लेके गए, जिसको पुर्तगीज लूट के गए, मुगलों ने लूटा,
तो वो तो भारत का ऐश्वर्य तो था ही, भारत सोने की चिड़िया तो था ही, लेकिन विश्व गुरु था अपने तीर्थों के कारण, अपने योग अध्यात्म के कारण, अपनी जो भारतीय संस्कृति के जो गौरव हमारे तीर्थ है इनके कारण से। और पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने अपने सनातन को गौरव दिया, और ये सनातन का गौरव काल है। और मैं तो एक दिन इंडिया टीवी पर बोल रहा था, अब खाली भारतीय ही नहीं, आधी से ज्यादा आबादी पूरी दुनिया की वो योग को अध्यात्म को फॉलो करेगी, भारत के तरफ ही लौटेगी। टूरिज्म के लिए भी हिंदुस्तान में उत्तराखंड से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। इसके लिए पूरी देवभूमि का एक बार अभिनंदन है, हम भी उसी देवभूमि में यहाँ पर बैठे हुए। तो आज ये सनातन का जो गौरव काल है, आधी से ज्यादा पूरी दुनिया की आबादी योग अध्यात्म के रास्ते पर चलेगी, भारत के पीछे पीछे चलेगी, और यही भारत का महाशक्ति होना, सुपर पावर होना है। खाली अमेरिका की तरह इकोनॉमिक पावर हो करके, मिलिट्री पावर हो करके, सैन्य शक्ति हो करके पूरी दुनिया को डराना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है हम सुखी रहें और सब सुखी रहें, हम अभय रहें और सब अनाभय निर्भय रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का यही तात्पर्य है। और वो गौरव प्रदान किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो हर बार पूजन करते हैं, अभी भगवान को प्रणाम करके अब वहाँ पर पूजन कर रहे हैं। और ये दर्शाता है कि हर भारतीय के मन में अपने पूर्वजों के प्रति, अपने ऋषि ऋषिकाओं के प्रति, अपने अवतारी पुरुषों के प्रति, अपने देव पुरुषों के प्रति, अपने देवस्थानों के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और उसकी अभिव्यक्ति है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और ये कोई मैं हम एंकरिंग नहीं कर रहे हैं, कोई प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई प्रशंसा गीत नहीं गा रहे हैं, यह हकीकत है। आज से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर, खुले मन से ऐसा सनातन को गौरव प्रदान नहीं किया जो मोदी जी ने किया है। मंत्र पाठ हो रहा है और सब हम एक आत्म है, और इन मंत्रों की पवित्र ध्वनि भी सारे संसार में गूंज रही है इंडिया टीवी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक बीच की तस्वीर आज की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे हैं बाबा के दर्शनों के लिए। और जो छह अन्य तस्वीरें देख रहे हैं उनमें से पांच वो उन वक्तों की जब प्रधानमंत्री बनने के बाद बतौर वो केदारनाथ पहुंचे थे। फिलहाल ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। आज कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्णे मेघादश्याम शुक्लस्तो वास्त्रांत रविदे शुक्रवासरे शुः मगा नाम नक्षत्र है। अपना नाम दो मम एवं समय श्री नरेंद्र दाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य
भुवैकुंठ हिमालय यात्रा कृष्णमानं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातः काल वेलायां यथा लब्धोपचारेण ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख संवृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारतवर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्त हेतवे कर्कश्यमानं यशा कीर्ति लाभार्थ प्राप्त हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवैकुंठ श्री केदारेश्वर चेतन समस्त जीव जगत में उसी ब्रह्म का विस्तार देखते हम, ये है हमारा अध्याय। तो लगातार पूजन अर्चना की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री छठी बार केदारनाथ पहुंचे हुए हैं, योग गुरु स्वामी रामदेव भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्वामी जी, योग साधना और अध्यात्म को किस तरह से एक साथ लेकर चलना है और कैसे देश को तरक्की तक पहुँचाना है, इसका सबसे सही सबसे सटीक कोई उदाहरण है तो वो प्रधानमंत्री। ये ज्योत्सना जी, यतो अभ्युदय निश्चय ऐसा सिद्धि साधर्म, जिसमें भौतिक जीवन में समृद्धि हो, जिसको हम कहते हैं संस्कृति मूलक समृद्धि, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, योग मूलक कर्मयोग, प्रार्थना मूलक पुरुषार्थ, एक तरफ मनुष्य का मंगल और एक तरफ सारी सृष्टि का भी मंगल, माने प्रकृति और संस्कृति को संवारते हुए, नेचर और इन्वायरमेंट को साथ में लेते हुए, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, यही भारत और भारतीयता है। और इसी के पीछे मैं कहा था सारी दुनिया चलेगी, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षणं पृथिव्यां सर्वमानवः, और उसके अग्रणी है, उसके पुरोधा है हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो एक साथ संस्कृति को और समृद्धि को, अभ्युदय और निःश्रेयस को, निवृत्ति और प्रवृत्ति को, भौतिक प्रगति को और आध्यात्मिक प्रगति को एक साथ गौरव दे रहे हैं, और इसी की आज दुनिया को जरूरत है, यही इस समय का युग धर्म है ज्योत्सना जी। बिल्कुल, ये और इसको मोदी जी निभा रहे हैं जी, ये युग धर्म है जिसे मोदी जी निभा रहे हैं। और दिवाली से पहले प्रदेश की जनता को हजारों करोड़ों की सौगात भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। वहाँ पे रोप वे प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास वो करेंगे, इसके अलावा सड़क चौड़ीकरण के काम के लिए भी आधारशिला रखेंगे। स्वामी जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपने विस्तार से हमें समझाया कि किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग पथ के साथ साथ देश को भी आगे ले जा रहे हैं, इस के लिए बहुत धन्यवाद। के लिए भी जुड़ेंगे जी जी, धनतेरस कैसे आरोग्यम धन संपदा देगी, धनवंतरी जयंती पर ये कल बताएंगे जी। बहुत शुक्रिया स्वामी जी, अब कल आपसे मुलाकात होगी। तो ये खूबसूरत तस्वीरें आप केदारनाथ से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखिए किस तरह मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस वक्त जलाभिषेक वो कर रहे हैं, और अलग अलग उन दौरों की प्रधानमंत्री के केदारनाथ की तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सबसे पहले 3 मई 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ पहुंचे थे, फिर उसी साल अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को वो दूसरी बार केदारनाथ पहुंचे, जब वहां पर नए प्रोजेक्ट्स के तहत आधारशिला रखी गई, और उसके बाद 7 नवंबर को दीपावली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से केदारनाथ पहुंचे। असदा अचरोचा
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।